हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान भीलवाड़ा सुरेश भल्ला। ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल, यह एक मदद प्रणाली है दोस्तों। इसमें हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे चल रहे हैं। 2500 रुपये की हमें लाइफ में एक बार डोनेशन करना है और यह 13 लेवल का प्लान है। अगर इस 13 लेवल का हम कैलकुलेशन करें तो 1118 करोड़ का डोनेशन हमें प्राप्त हो सकता है। और इस चीज़ को हम संभव असंभव मुश्किल मान सकते हैं। सभी फ्रेंड्स इस चीज़ को मानते होंगे कि यार ये असंभव है, ये जो बातें कर रहे हैं ये केवल फेंकने वाली बातें कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिस्टम चल रहा है, लोगों को डोनेशन मिल रहा है। जो डोनेशन करके इस सिस्टम में शामिल हो गए हैं उनको इनकम प्रूफ बिल्कुल मिलेगा। आप देख सकते हैं, इनकम प्रूफ मंगा सकते हैं। और इसको जो असंभव या मुश्किल मानता है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक दास्तान बताता हूं दोस्तों। केरेली नाम का एक पिस्टल शूटर था दोस्तों। अब आप यह बताइए, पिस्टल शूटर इतना ज़बरदस्त था कि वह मंगेरियन नाम का जो कंट्री था उस कंट्री में जितनी भी उसकी नेशनल की जितनी भी प्रतियोगिताएं थी वो सारी जीत चुका था। हर जगह जहां भी वो जाता था, जिस कंट्री के जितनी भी स्टेट में वो जाता था, नेशनल की जो भी प्रतियोगिताएं होती थी उसमें वो भाग लेता था और हर जगह वो फर्स्ट आता। अब दोस्तों क्या हुआ कि सारी कंट्री ये जानती थी कि 1940 के अंदर जो ओलंपिक पिस्टल शूटर की जो प्रतियोगिता होने वाली थी, इसमें ये केरली जरूर फर्स्ट आएगा, बिल्कुल जो फर्स्ट आएगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 1939 में एक, क्योंकि वो आर्मी का एक कैंप लगा हुआ था, आर्मी के कैंप में जब वह भाग ले रहा था तब क्या होता है कि उस आर्मी के कैंप में जब लड़ाई चल रही थी तो राइट हैंड से एक हैंड ग्रेनेड उसके राइट हैंड में फट गया। जब राइट हैंड में उसका फट गया तो राइट हैंड उसका बिल्कुल ब्लास्ट हो गया। तो दोस्तों अब आप ये सोच सकते हैं कि जब राइट हैंड उसका ब्लास्ट हो गया तो या तो वो क्या करता, अपना सिर पकड़ के कमरे किसी घर के किसी कमरे में जाके सो जाता, रोता धोता। लेकिन उसने फोकस किया अपने लेफ्ट हैंड पे, अपने लेफ्ट हैंड पे फोकस किया उसने। उसने जो चला गया उस पर फोकस नहीं किया। उसको मालूम है कि जो मेरा राइट हैंड था वो चला गया और उसी से ही वो पिस्टल शूटिंग करता था। जब राइट हैंड उसका चला गया तो उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने लेफ्ट हैंड पे फोकस किया दोस्तों, लेफ्ट हैंड पे फोकस किया और लेफ्ट हैंड से उसने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। देखो दोस्तों, मुश्किल असंभव वाला जो शब्द है वो केवल बोलने का है, कहने का है, सुनने का है। जब उसने एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना लेफ्ट हैंड से अपना प्रैक्टिस किया, किसी को नहीं बताया उसने दोस्तों। अब 1940 में जब ओलंपिक चालू हुआ तो वह बंदा भी वहां पे पहुंच गया। अब वहां पे बड़े बड़े शूटर आए हुए थे, वो उनसे सबसे गले मिला। तो उन लोगों ने कहा कि देखो सर जी, उनको तो मालूम था कि भाई इसका तो राइट हैंड चला गया। उन्होंने उसको बोला कि सर जी, आप बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ आए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन उसने क्या बोला कि दोस्तों, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ दोस्तों, मैं तुम्हारे से लड़ने के लिए आया हूँ, तैयार हो जाओ। सब आश्चर्यचकित रह गए, बोले क्या बात है। और 1940 का जो ओलंपिक हुआ
सब लड़ रहे थे अपने दोनों हैंड से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से लड़ रहे थे, और वो लड़ रहा था ओनली हैंड, ओनली वन हैंड, ओनली लेफ्ट हैंड से लड़ रहे थे, लड़ रहा था। और जीत किसकी हुई दोस्तों? ओनली हैंड की, ओनली हैंड की। सब आश्चर्यचकित रह गए। तो दोस्तों, मुश्किल असंभव वाला कोई शब्द नहीं। अपनी जिंदगी का उसने फोकस कर दिया 1944 के ओलंपिक में। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात, 1944 का जो ओलंपिक था, वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो गया। फिर उसने अपना वापस मोटो आगे बढ़ाया और 1948 के ओलंपिक पे फोकस किया। जब 1948 का ओलंपिक पे फोकस किया तो वही कारण हुआ, 1948 का भी वर्ल्ड वार कैंसिल हो गया दोस्तों। फिर वो बहुत रोया, उसने कहा कि मुझे कुछ भी करना है, ओलंपिक का पिस्टल शूटिंग का जो जीतना है मुझे, कुल मिला के मुझे जीतना है, जीत उसके लक्ष्य था, उसका जीत केवल लक्ष्य था। और जो जीत के लक्ष्य को लेकर चलता है वो कभी जिंदगी में फेल नहीं होता दोस्तों। आखिर 1952 का उसने अपना ओलंपिक का फोकस किया। तो दोस्तों, 1952 जब ओलंपिक हुआ तो फिर वहाँ पे, जबकि आपको मालूम है कि 1952 में उसका एज 38 पहुँच चुका था, जब 1938 में उसका 28 था और 1948 में उसका एज 38 हो गया। तो आप जानते हैं, हर साल जवान लोग हर बार हर कंपटीशन में कंपटीशन बढ़ता चला जाता है दोस्तों। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी दोस्तों, और 1952 की ओलंपिक में उसने भाग लिया। और दोस्तों, किसका जीत हुआ, किसका जीत हुआ 1952 में? ओनली हैंड का, ओनली लेफ्ट हैंड। जबकि उसमें बहुत जवान शूटर भी आए हुए थे, सब कुछ दोनों हैंड से भाग ले रहे थे, लेकिन ओनली हैंड, ओनली हैंड की जीत हुई दोस्तों। तो यही 1952 का ओलंपिक का भी उसने जीता, स्वर्ण गोल्ड जीता, और 1954 का भी उसने गोल्ड जीता दोस्तों। तो ऐसा उसने अपना ओनली हैंड से करके दिखाया। तो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल जो सिस्टम चल रहा है, ये मदद प्रणाली है। कितनी ही लोगों ने MLM किया, कितने ही लोगों ने मदद प्रणाली भी किया, लेकिन फिर भी जो ये ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल वाला जो सिस्टम है, उसमें हम सब ओनली हैंड की जीत करेंगे। ओनली हैंड, बिल्कुल एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और ये जो फार्मूला है मेरा, SIT का फार्मूला, एक दूसरे को सपोर्ट करो, इनकम प्रूफ दो और टीम बनाओ, टीम बना के काम करो दोस्तों। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होने वाला है। आज के महीने, दो महीने, चार महीने, छः महीने में ऐसा रिजल्ट दूंगा आपको। मैं क्या दूंगा, रिजल्ट तो आप देने वाले हैं। मुझे तो केवल एक SIT का फार्मूला, सपोर्ट, इनकम प्रूफ और टीम वर्क। अगर हम सभी लोग एक साथ मिलजुल के इस फार्मूले पे अगर काम करेंगे तो सारे के सारे सक्सेस होंगे SIT के फार्मूले पे, बिल्कुल सक्सेस होंगे दोस्तों। कई लोगों ने MLM किया है, कई लोगों ने मदद प्रणाली भी किया है, लेकिन किसी को सपोर्ट नहीं किया। और बिल्कुल हम आगे चलने वाले हैं, बहुत जल्दी से चलेंगे, और बहुत जल्दी से हमारा जो इनकम प्रूफ है उसको लाखों करोड़ तक पहुंचाएंगे। ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों को धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा। अभी जो लोग हैं 2%, 5%, 10% लोग ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल की जो मदद प्रणाली है उस पर विश्वास करने लगे हैं दोस्तों। और आगे धीरे धीरे
भारत का हर नागरिक, हर परिवार, नागरिक नहीं कहूँगा मैं, देश के जितने भी परिवार हैं अगर इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट एकदम सिस्टम के अंदर सभी को मदद मिलेगी और हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल एकदम ओनली हैंड की तरह। जो विश्वास ओनली हैंड का था और वही विश्वास ओनली हैंड की तरह चलते हुए हम आगे चले जाएंगे। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा ये जो चैनल है बेटर आइडिया बेटर लाइफ, उसको बहुत प्यार दें। मेरा पहले वाला चैनल भी सुरेश भोला के नाम से है, उस चैनल को भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब जो भी करें आप, अपनी इच्छा है, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करें। और इसी प्रकार ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल को साथ लेते हुए चलना है हमें, एक दूसरे को हेल्प करते हुए चलना है। जय ग्रीन ग्लोरी, जय भारत, थैंक यू।